प्रताप सिंह, आदिवासी व छात्र संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। आज हम समस्त युवा साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक जिम्मेदार नागरिक की अपनी भूमिका निभाने। असल में अभी 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसका कहना है कि लगभग 11 लाख आदिवासी परिवार जो जंगलों में या जंगल के परिक्षेत्र में रहते हैं, चाहे वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आदिवासी हो, हर कोई भी कैटेगरी का आदमी जो वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है उनको वहाँ से बेदखल किया जाए। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ 11 लाख आदिवासी परिवार जिसका जो जिक्र किया गया है ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है जो भी अधूरा है, राज्य सरकार के आंकड़े अभी बाकी हैं जो लगभग 20 लाख जाएंगे। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एक परिवार के पीछे कम से कम 4 या 5 सदस्य होते हैं, तो अगर आप 20 लाख परिवार में 5 की संख्या गुणा करते हैं तो लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास जो है मूल निवासी समाज प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके लिए विस्थापन के लिए रोजगार के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। जो ग्रामीण आबादी है उसका 80% हिस्सा खेती और वन जो संग्रहण होता है, जो वन उपज उस पर निर्भर करता है। अगर उनसे उनकी जमीन को या उनके संसाधन को ही छीन लिया जाएगा तो वह व्यक्ति शहर में आके करेगा क्या, अपने परिवार का भरण पोषण कैसा करेगा? तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। इसलिए आदिवासी व छात्र संगठन के बैनर तले समस्त कॉलेजों के समस्त जो यूथ हैं जो यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि जो वर्ग जो अशिक्षित है जो पीछे छूट गया है उनकी आवाज़ कैसे बनके उनकी बुलंद किया जाए, उनकी मांग पूरी की जाए। हमारी सरकार से सुप्रीम कोर्ट से ये मांग है कि इस मामले में फिर से पुनर्विचार हो। साथ ही जैसे SC ST एक्ट में केंद्रीय सरकार ने विधेयक पारित करके उसको निरस्त किया था, सिर्फ इस संबंध में भी केंद्र सरकार एक विधेयक पारित करे और इस संबंध को निरस्त करे। अभी मतलब यहाँ की जो सरकार है अभी बोल रहे हैं कि जमीन दिलाएंगे, मतलब सरकार जो केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार है पट्टा दिलाएंगे, लोगों को पट्टा दिलाए सुनने में आए हैं, तो उस पर आपको क्या विचार है? जैसे सरकार अभी जब नई बनी तो वो जो पहले जो टाटा का जो जमीन अधिग्रहित था उसको आदिवासियों को वो वापस की है। इस मुद्दे में ये वाला जो मैटर है और जो केंद्र सुप्रीम कोर्ट का जो आया है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझने की चीज़ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 27 जुलाई 2019 इसी साल में जितने भी जो 20 लाख 11 लाख जो आदिवासी परिवार हैं जो प्रभावित हो रहे हैं उनको खाली कराना है, और उसमें कल का न्यूज़ है कि वो स्टे लगाया 10 जुलाई को उसकी सुनवाई है, लेकिन ये 10 जुलाई की सुनवाई जो है वो मेरे हिसाब से मेरे समझ से एक राजनीतिक वो है, क्योंकि अभी सामने लोकसभा का चुनाव है अप्रैल मई में, तो कोई सरकार ये रिस्क नहीं लेना चाहती है कि 8% आदिवासी जो भारत में है शायद ये सत्ता को परिवर्तन करने में मदद करेंगे, तो शायद इसलिए अभी इस चीज़ को रोक दिया गया। और हमारी लड़ाई निरंतर है, ये लड़ाई सिर्फ एक कौम की नहीं है, एक इंसानियत की, एक जिम्मेदार नागरिक होने के तहत हमको लगता है कि जो गलत हो रहा है तो गलत को हक के साथ बोलना चाहिए कि ये गलत है, तो इसीलिए हम अपने